अब नेटो पर करेगा हमला। अगला जो टारगेट है रूस का वो अब नेटो है। नेटो के खिलाफ खुल्लम खुल्ला धमकियां चल रही हैं रूस के टीवी पर, जिससे यह अंदाजा लगाया जा चुका है और ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अब ये जंग रुकने वाली नहीं है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन के सारी ताजा जानकारियां आपको दी जाती हैं। आपको बताऊं कि रूस के सरकारी चैनलों के ऊपर खुल्लम खुल्ला धमकियां दी जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन में जो जंग चल रही है ये जंग नहीं, ये एक रिहर्सल है, एक तैयारी, एक तरह की ड्रिल है अगली जंग और अगली जो बराबरी की टक्कर की लड़ाई होगी वो नेटो के साथ होगी। बाकी तो आप जानते ही हैं क्रिमिनल को। क्रिमिनल कौन है फिर से बता देता हूं, जैसे हमारा विदेश मंत्रालय है वैसे रूस का क्रिमिनल है। क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल, जी हाँ। अब उसकी तरफ से बयान ये दिया गया है कि भाई साहब ये हमला नहीं है, ये यूक्रेन पे हम कर रहे हैं, ये तो हमारा मिलिट्री ऑपरेशन है। इसका मतलब ये है कि रूस आधिकारिक तौर पे ये बात कह रहा है कि हाँ नेटो को हम टक्कर दे सकते हैं और हम अपने हथियारों को नाप सकते हैं कि हम नेटो को टक्कर कब और कैसे दें। सही मायनों में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू ही हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ ये सब सुनने को मिल रहा है और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस के ऊपर यूरोप की तरफ से, पश्चिमी देशों की तरफ से लगातार साइबर अटैक जारी है। हालांकि ये साइबर अटैक कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन रूस को निशाना कई देश मिलकर बना रहे हैं। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा अपने देश के लिए, रूस के लिए, कि रूस को अब दूसरे देश की टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यानी मोदी जी का मंत्र पकड़ लिया है अब उन्होंने और कहा यह है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब मुझे तकलीफ और डर और टेंशन ये हो गई है कि कोई भी हमारे मोदी जी के पास जाता है तो क्या होता है आपको पता ही है। नहीं 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 नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे कल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी हार गए हैं चुनाव। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इसी के साथ एक बड़ी खबर रूस की तरफ से। रूस ने मारियोपोल के एजोवस्टल प्लांट पर, जो पूरा एक एरिया, एक शहर है, उस पर कब्जा कर लिया है। कल तक मैंने आपको बताया था कि 1500 से ज्यादा सैनिकों ने वहां पर आत्मसमर्पण कर दिया है, हाथ उठा दिए रूसी सेना के सामने। अब रूस ने ऐलान किया है कि उस मारियोपोल के एजोवस्टल प्लांट पर कब्जा कर लिया है। रूस का पूरा कब्जा हो चुका है और 2400 लोगों ने अपने आप को रूस के हवाले कर दिया है। दोस्तों बड़ी खबर अब जेलेंस्की ने खुद दी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यह बात बताई है कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो हमारी तरफ से 2.5 लाख सैनिक थे, लेकिन अब यह बढ़ते बढ़ते इस वक्त हमारे लिए 7 लाख सैनिक यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ रहे हैं। अब आप जानते हैं कि ये सैनिक खुद यूक्रेन के तो सारे हैं नहीं, इधर उधर से आकर उसने असेंबल करी है आर्मी और किराए की आर्मी इस वक्त रूस से टक्कर ले रही है। अब आपको बता दूं कि रूस भी पूरी तरह से खुंदक में आ चुका है। व्लादिमीर पुतिन ने अब बाइडन पर ही पाबंदी लगा दी है। बाइडन, अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडन, उनके विदेश मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी समेत 961 अमेरिकी अधिकारियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये रूस नहीं आ सकते। दोस्तों जेलेंस्की एक्टर हैं तो झूठ बोलेंगे, एक्टिंग करेंगे जो वो कर रहे हैं। बीच बीच में वो खुद संघियों की तरह प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। आपको बताऊं इनका एक प्रोपेगेंडा फेल हुआ है। वो प्रोपेगेंडा ये कि इन्होंने कहा ये था कि रूस के जो ब्लैक सी में पानी के जहाज हैं, जो उसकी देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, उनको तबाह करना चाहता है अमेरिका। लेकिन अमेरिका के पेंटागन ने जेलेंस्की के इस झूठे दावे को ठुकरा दिया और कहा है कि अमेरिका का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। इसी के साथ एक बार फिर से बड़ी भीख देने को यूक्रेन को G7 तैयार हो गया है। 19.8 बिलियन डॉलर यूक्रेन को देने के लिए G7 तैयार है। दोस्तों अब आप ये मैप देखिए, मोल्डोवा बिल्कुल यूक्रेन की सीमा मिली हुई है मोल्डोवा की,
और मोल्डोवा को खुद खतरा है कि रूस उस पर हमला ना कर दे, और मोल्डोवा बिल्कुल सिट्टी पुट्टी गुम किए बैठा है। अब यूके ने ऐलान ये किया है कि हम मोल्डोवा को हथियार देंगे उसकी रक्षा के लिए। अब आपको बता दूं कि मेरा दिमाग तो भाई साहब ये कह रहा है कि ये हथियार मोल्डोवा को देकर पूरी तरह से मोल्डोवा को भी यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ उतारने की यूके और अमेरिका की साजिश है। एक बार फिर से रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस ने कहा है कि जो वेस्ट से बड़े हथियार के जो टैंकर पहुंचे थे, बड़े हथियार जो पहुंचे थे यूक्रेन की मदद के लिए, हमने उसको निशाना बनाकर उसको तबाह कर दिया है। दोस्तों ऑस्ट्रिया रूस के रूबल का अकाउंट खोल चुका है और अब वो रूबल में पे करेगा, यानी रूस की शर्तों को फॉलो करेगा। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं कीव में, यानी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। अब पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी यहां का दौरा करने के बाद कुछ ना कुछ रूस के खिलाफ ज़रूर बोलेंगे। आपको ये बात मैं लगातार बता रहा हूं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर आपको जानकारी दे रहा हूं कि रूस में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं आग लग रही है, लेकिन इसकी वजह सामने नहीं आ रही है। अब एक और तस्वीर सामने आई है, रूस की ये गलियां देखिए, और गलियों में बीच में पाइप तेल का फटा हुआ है और तेल पानी की तरह बह रहा है। ये सोशल मीडिया पे अब तेजी से वायरल होने वाली वीडियो है। समझ लीजिए कि रूस का भी कहीं ना कहीं अंदर से हाल खराब है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से रूस के एडवांस ऑरलैंड 10 ड्रोन को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, आर्टिलरी से रूस के बड़े बड़े ठिकानों को एक साथ निशाना बनाकर तबाह किया गया है यूक्रेन की सेना के द्वारा। MiG-29 यूक्रेन का पहली बार हवा में उड़ रहा है। MiG-29 अपनी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन इस्तेमाल करते हुए रूस के हमलों का जवाब दे रहा है, रूस के खिलाफ MiG-29 एक्शन में। दोस्तों नौजवानों, जेब से डायरी निकालो और अब एक इतिहास की बात बताने जा रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक, मालूम है आप पढ़ते लिखते नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता आप में से कोई पढ़ता लिखता हो, उसको काम आ सकता है और ये बड़ी बड़ी जानकारियाँ आगे बहुत काम आएंगी। मोबाइल का नोटपैड खोलिए और हम जो बता रहे हैं याद रखिएगा। सन 1731 21 मई के दिन रूस ने पहली बार ओखोस्त में अपना मिलिट्री, यानी समुद्र के एक इलाके में मिलिट्री पोर्ट खोला था, जिसको आज 291 साल हो गए, जिस पर रूस ने सेलिब्रेशन किया। इस दिन को बहुत ही जोश और खुशी के साथ मनाया और अपनी समुद्र की ताकत दुनिया को दिखाई। जंग के इस दौर में रूस का सेलिब्रेशन और हथियारों का दिखावा नेटो को खुली खुली चेतावनी है। Girls with their nails done.
देखा दोस्तों, अब आपको जंग की बात बताता हूं। रूस ने कैलिबर मिसाइल दिन में ही दागना शुरू कर दी है। देखिए, दोस्तों ये थी स्पेशल वॉर अपडेट। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।